गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू किचन लाइव ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 में लास्ट टॉपिक जो हमारा है चैप्टर का है राइट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2ax = 2ax² - b² इसको हम करेंगे और उसके बाद में इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से आपने पिछली इक्वेशन की थी ऑलमोस्ट ये सेम है, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा चेंज है। अगर आपने पिछली इक्वेशन को अच्छी तरह से देखा हुआ है और उसको अगर आपने रीड आउट किया है तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी, और नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा और इसको आप सीख लें वो भी आपके लिए आसान लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले जैसे आपको बताया था कि जितनी भी हमारे पास डेरिवेशन आती है डिराइव करने की इक्वेशन, उसमें आपको सपोज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सपोजिशन करेंगे, जब उसको सपोज करेंगे फिर जाके वो आगे सॉल्व होते हैं। इस तरह से इक्वेशन आपकी पूरी पूरी ड्राइव होती है, यानी आपको बताना है कि इक्वेशन ड्राइव कैसे भी किस तरह से इक्वेशन है। उसके लिए फिर आपने अगेन द सेम वर्डिंग जो आपने पिछली इक्वेशन पर ड्राइव करते हुए वर्ड इस्तेमाल किया था वही वाले यूज होगा वर्ड, यानी अगर आपने एक इक्वेशन याद कर ली या एक समझ ली तो दूसरे को बहुत आपको क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उसी तरह से हमने किया हुआ। बुक पे इसका डिफरेंट मेथड भी मौजूद है, आप चाहे उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे ये है कि जिस मेथड से हमने इक्वेशन सेकंड ड्राइव की उसी से हम थर्ड ड्राइव करें ताकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहे, और उससे ये कि आपको याद करने में या समझने में आसानी मिलेगी। तो सेम आपने स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले क्या दिया, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप v से मेंशन करते हैं, इनिशियल है तो उसके लिए आया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी vi को रिलेटेड कॉमास में कर देंगे। आफ्टर टाइम t थोड़ा सा टाइम गुजरा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिकम्स vf, देखते जाएं कि लिखा होगा आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी फाइनल f, v फॉर वेलोसिटी f फॉर फाइनल, तो vf इसको मेंशन कर रहे फाइनल वेलोसिटी। देन जब ये कंडीशन हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि दो वेलोसिटी है दोनों का आपको एवरेज निकालना है, क्या करेंगे दोनों को जमा करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। यहां पर इसी तरह से आपने किया एवरेज वेलोसिटी को v बार से मेंशन करते हैं व्हिच इज इक्वल टू vf प्लस vi, बात कर लिया पहले वाले वेलोसिटी को जमा किया और जमा करने पर टू से डिवाइड कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो आपने स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको सपोज करके देना पड़ता है, वो सपोज करते आपने स्टेटमेंट दिया उसके बाद v बार के बराबर हो गया एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लास्ट इक्वेशन में भी यही था, इसलिए एज वी नो दैट क्या जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इसके बराबर होगा, डिस्टेंस को एस से मेंशन करते हैं और व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी को v बार मल्टीप्लाई बाय टाइम, जब भी वेलोसिटी या स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसके नतीजे में जो चीज आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस व्हिच इज मेंशन बाय s। सो as we know that distance covered by a body s is equal to v bar into t and this is equation number 2। ठीक है, इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन जब चले जाते हैं वो तो ड्राइव हो जाती है, पहली इक्वेशन आपने ये दी दूसरी इक्वेशन आपको ये पता थी, अब हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को जब कंसीडर कर रहे हैं वी हैव वी बार हियर व्हिच इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 एंड वी बार हियर वी हैव आल्सो हियर व्हिच इज s is equal to v bar into t, यानी s जो है वो v bar into t के बराबर है जबकि ये v bar जो है that is equal to vf plus vi upon 2 के according to first statement। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को जो v bar की आपके पास वैल्यू है इस v bar की जगह पर यानी v bar is equal to v bar दोनों के v bar है इसकी वैल्यू क्या है ये इसकी जगह पर क्या लिखेंगे यानी इस v bar को रिप्लेस करके v bar की जो वैल्यू है वो प्लेस कर देंगे, लेकिन जो भी आप काम करने के लिए जाते हैं उसके लिए आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, लिखना पड़ेगा आपको आप क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ v bar, ठीक है ये जो v bar आपके पास दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन 2 में इस v bar की वैल्यू पुट कर रहे हैं कहां से इक्वेशन नंबर 1 से, यही स्टेटमेंट आपने किया पुट द वैल्यू ऑफ v bar इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो आपने दिया उसके मुताबिक ये s वैसे रहेगा ये t वैसे ही रहेगा, ठीक है इस v bar की जगह पर ये जो वैल्यू थी ये आपने यहां पर प्लेस कर देख रहे हैं v bar = vf + vi / 2 सो इट्स vi v bar = vf + vi / 2 ये वैसे रहा और इनपुट t वैसे रहा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और उसके बाद अनदर स्टेटमेंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी दैट वाज vf = vi + a2, पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो डिफरेंस शुरू हुआ वो यही शुरू हो रहा है, यहां तक बिल्कुल सेम है। आप पिछली वाली एक्सरसाइज में पिछला जो हमने डेरिवेशन की थी उसको भी आप जरा देखिएगा तो उसमें देखेंगे आप पूरा यहाँ से अंदर सेम है, यहाँ पर आपने उसको ले लिया था इक्वेशन नंबर 4 इन द प्रीवियस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आप उसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं करेंगे बल्कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इस बात को ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं क्या कि vf जो है किसके बराबर होता है vi + at,
तो बी आई प्लस ए डी आपके पास दिया हुआ है, इसमें से बी आई यहाँ पे प्लस है, इसको जब इंसिडेंट होगी इस तरफ लाइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के अंदर इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हुए वी एफ माइनस बी आई इज इक्वल टू ए डी आई, क्योंकि अपनी जगह पे रहा ये बी आई प्लस था इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ से तीन का है तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने ए यहाँ पर डिवाइड करके और टी अपनी जगह, ठीक है, वी एफ माइनस बी आई वैसे था, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ से आने के बाद क्या हो गया डिवाइड हो गया और दैट इज इक्वेशन नंबर 4, यानी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट हम देंगे ये जो टी की वैल्यू आपके पास आई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टी इस टी की जगह पे ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी ये प्लेस कर देंगे आपके पास तो बहुत इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। तो उसके लिए बढ़िया आपने क्या की पुट द वैल्यू ऑफ ई ए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 से ये वैल्यू उठा के आपने इस जगह पे प्लेस कर देंगे। फाइन बच्चों देखिए जब हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एस वैसे ही रहेगा बिल्कुल इज इक्वल टू वी एफ प्लस ए अपॉन 2 एज इट इज राइट, क्योंकि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय यहां पे आप देख रहे हैं सी दिया हुआ है, यानी ये वैसे रहा ये वैसे रहा, इस टी की जगह पे आपने प्लेस कर दिया ये वाली वैल्यू जो आपने यहां पर सॉल्व किया इक्वेशन 1 की वैल्यू की मदद से vf - vi अपॉन a। क्लियर है बच्चों यहां पे। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी और पीछे आप छोटी क्लासेस भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन एवर यू हैव a प्लस b into a minus b, ऐसी कंडीशन कभी भी होती है that is always equal to a square minus b square, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है जो आपने मैथमेटिक्स में रैशनलाइजेशन सीखे थे वहां पर आपने चीज डिस्कस की थी a plus b a minus b is equal to a square minus b square according to formula। अगर यहाँ इस a की जगह मैं लिखूँ vi plus या vf plus vi और vf minus vi, तो अब देखिए a plus b a minus b क्या आ गया vf plus vi vf minus vi, तो according to formula यहाँ पे a square तो क्या हो जाएगा vf square minus vi square। इस चीज को आपसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया अगर x y x plus y और x minus y होता तो हो जाता x square minus y square, यहाँ पे vf plus vi vf minus vi जब भी आप उसको मल्टीप्लाई हो सेम फिगर हो एक प्लस में एक माइनस में फॉर्मूला बन जाता है x square minus b square यानी vf square minus vi square। The same condition is applied here. Vf plus vi, it is multiplied by vf minus vi. दोनों ब्रैकेट ऊपर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब भी मल्टीप्लिकेशन हो सेम फिगर्स हो और एक प्लस और एक माइनस हो तो उसके नतीजे में फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर यानी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जबकि अपॉन आपके पास 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा। यही सबसे कॉम्प्लिकेशन थी इसमें, बाकी बहुत ही आसान थी इक्वेशन, पिछली इक्वेशन से मिलती थी। सो एडिशन वर्ड जो था वो क्या था कि इस फॉर्मूले को आपने ड्राइव कर रहा था यहाँ पर कि जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस के स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, जबकि नीचे जब मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई हुआ तो ए हो गया। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में ये टू यहाँ से इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड था तो ये डिवीजन जो है कन्वर्ट हो जाएगी इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये टू यहाँ डिवाइड था यहाँ आया एस के साथ तो क्या हो गया टू ए एस एस के साथ ये हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आप देखिए ऊपर इक्वेशन चलिए आपको ड्राइव करना 2a = vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, आप देखिए यहां पे ड्राइव हो गया लास्ट में आप भी बढ़ लीजिए अभी गाइस। ठीक है बच्चों, एक नजर इसको और देख लीजिए कि सबसे पहले आपने थर्ड इक्वेशन में इस पोजीशन की एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस क्रॉस की vi की फाइनल वेलोसिटी vf के थ्रू से टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई vf प्लस वी आई अपॉन टू, इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मेंशन करते हैं वी बार से। फिर आपने क्या किया आपने लिखा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इसके बराबर है एस इक्वल टू वी बार इनटू बी, वी बार की वैल्यू लिखी हुई आपके पास इसको आपने इसकी जगह प्लेस कर दिया इसकी जगह पे और स्टेटमेंट आपने दे दिया कि हम इसको पुट करने जा रहे हैं। तो उसके बाद कंडीशन बन गई एस इक्वल टू वी बार की वही वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टी, फिर आपने बस इक्वेशन लिखी और वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी में से यहाँ टी निकाल लिया आपने, वी आई यहाँ पे प्लस था यहाँ पे आगे माइनस था और ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ पे डिवाइड था की वैल्यू आ गई, इस की वैल्यू को आपने प्लेस कर दिया इस जगह पे ये वैसी रहा इसी जगह पे ये वैल्यू आ गई, जब ये वैल्यू आ गई तो दोनों आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर ऊपर और नीचे 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 जब टू मल्टीप्लाई गए जुड़े हो गया ऊपर जब भी मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला माइनस आता है इसलिए माइनस लिखा, ये टू यहाँ डिवाइड था इधर आगे क्या हो गया
मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2a = bx² - a² जो कि आपको प्राइस करना था। तो ये आपके चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक था डेरिवेशंस का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आपने ड्राइव की है, vf = bi + at, s = bi + 1/at² प्रीवियस इक्वेशन थी, और दिस वन 2a = vf² - a² तीनों इक्वेशन से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। 13 के करीब तक प्रॉब्लम इसमें जो हम स्टेप बाय स्टेप दो दो दिन की प्रॉब्लम करके करेंगे। लेकिन आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होमवर्क, कि आपने ये तीनों इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेशन आपने अपने रजिस्टर ड्राइव भी करनी है और साथ साथ इसको याद भी करना है, ठीक है। तो ये आप पूरा करके कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इसके प्रॉब्लम कर लोगे तो बहुत आसानी होगी, तो वहाँ पर सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो आई थिंक दैट इज क्वाइट एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। गुड बाय।